कई दिया हुआ सिलेबस इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में देखते हैं। देखिए इंग्लिश के अंतर्गत हम तीन चीजों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब तीन चीजों में क्या क्या उसको देखते हैं देवंश। इंग्लिश के अंतर्गत हम अपना ग्रामर पढ़ें, ठीक है, ग्रामर पढ़ें, ग्रामर, उसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ें और बुक पढ़ें। बुक के अंतर्गत देखिए आपको वो क्या पढ़ाया जाएगा। ओके, या सर बुक जो है क्या आप बुक पढ़ाएंगे। देखिए बुक, हाँ बुक पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाए, देखिए जैसे मान लीजिए चैप्टर वन है इंग्लिश का, 9th क्लास का चैप्टर वन है, उसके अंदर जितना भी वोकैब है, ठीक है, सब वोकैब का हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी दिखाया जाएगा आपको, ठीक है ना, दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा आपको, ठीक है। जब तक आपका वर्ड जो है, वर्ड का जो पावर नहीं बढ़ेगा, वर्ड बैंक आपका जब तक नहीं बढ़ेगा, तब तक आप क्या इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि बिहार बोर्ड के बच्चे का इंग्लिश बहुत ही वीक होता है। सर क्या कारण है, यही मेन कारण है उसका, क्या उसका क्या है कि बेसिक ग्रामर ठोस नहीं जाता है, ठीक है, ट्रांसलेशन ठोस नहीं रहता, इसी कारण से उसको बुक नहीं होता। अब बुक नहीं होने का मेन कारण है वोकैब, ठीक है ना, ग्रामर ट्रांसलेशन तो बाद में छोड़िए, ठीक है ना, पहले उसका मेन है वोकैब। जब तक वोकैब उसका मजबूत नहीं होगा, यानी इसका वर्ड इसको कहते हैं आप लोग, ठीक है ना, वर्ड जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक जो है बच्चे बुक को रीड नहीं कर पाते, ठीक है ना, इसीलिए वोकैब जरूरी है। आपको वोकैब कराया जाएगा, जब वोकैब कराया जाएगा, ठीक है, तो आप खुद ब खुद इंग्लिश आपको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, स्टोरी को समझ सकते हैं, उसे क्वेश्चन से डील कर सकते हैं अपने आप, ठीक। वोकैब कराया जाएगा, उसके बाद आपको इसके अंतर्गत आपको जो वोकैब कराया जाएगा, वोकैब के बाद आपको लिटरेचर बताया जाएगा, ठीक, लेटर के कहाँ कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फादर के पास, ब्रदर के पास, फ्रेंड के पास, ठीक है, तो लेटर लिखने का तरीका बताया जाएगा, क्या उसका कैसे लिखा जाता है, ठीक। इसके बाद आपको एप्लीकेशन बताया जाएगा, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, प्रिंसिपल के, प्रिंसिपल के पास, टीचर के पास, हेडमास्टर के पास, यानी विभिन्न तरह की जो, जैसे मान चलिए बिजली बिल मेरे यहाँ ज़्यादा आ गया, ठीक है ना, तो हमको लिखना है बिजली बिल की शिकायत के बारे में, लिखना है लेटर, एप्लीकेशन लिखना है, तो कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, यानी तमाम चीज़ों के बारे में आपको इसे बताया जाएगा, ठीक है। और समझते क्या है कि ग्रामर जो हम यहाँ पर लिखे हैं, तो ग्रामर जो है, ग्रामर के अंतर्गत क्या क्या पढ़े, ग्रामर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए ग्रामर के अंतर्गत हम लोग पहले पढ़ेंगे इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या पढ़ेंगे, नंबर एक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर जो लिखे हैं इसके अंतर्गत देखिए क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके 8 काइंड्स होते हैं, ठीक है ना, तो 8 काइंड्स होते हैं, कौन कौन 8 काइंड्स होते हैं, उन सारी चीजों को डिटेल से इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है ना, कवर करेंगे। उसके बाद आता है आपका तीसरा नाम होता है नंबर, नंबर क्या होता है, यह नंबर नहीं समझेगा कि मैथ का नंबर 1 2 3 4, ठीक है ना, हम समझेंगे नंबर क्या होता है, नंबर के बाद समझेंगे सिंगुलर और प्लुरल जो होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा नंबर आता है जेंडर, जेंडर के बारे में, लिंग जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, लिंग कहते हैं, ठीक है, तो जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है चौथा नंबर पर्सन, पर्सन क्या होता है, ठीक है, जब तक आप पर्सन को नहीं जानेंगे तब तक आपसे टेंशन नहीं बनेगा, ठीक, इसीलिए पर्सन को जानना जरूरी है, तो पर्सन के बारे में जानेंगे। उसके बाद पांचवा नंबर आता है केस, केस के बारे में पढ़ेंगे। अब छठा नंबर आता है डिग्री ऑफ कंप्रीहेंशन, डिग्री ऑफ कंप्रीहेंशन, ठीक है, डिग्री ऑफ कंप्रीहेंशन के बारे में जानेंगे। सातवां है दर सेंटेंसेज, सेंटेंसेज द सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आठवां दिया है आप आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं और इसका उच्चारण क्या होता है, ठीक है, तो यूज कहाँ पर करते हैं, यानी विभिन्न तरह की जितने भी चीज आते हैं सभी आर्टिकल्स को कवर कराया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका है 9th नंबर में वर्ब फॉर्म्स, ठीक है ना, वर्ब फॉर्म्स आप लोग जो पढ़ते होंगे, वर्ब फॉर्म पढ़ते होंगे, वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव पढ़ते होंगे ना। अब देखिए इसमें हम वर्ब फॉर्म पढ़ाएंगे, अब वी फोर उसको पढ़ा नहीं जाता, ठीक है ना, तो उन सारी चीजों के बारे में इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है टेंस, ठीक, तो 10 नंबर में टेंस दिया, टेंस बारे में पढ़ेंगे इसमें, टेंस के कितने भेद होते हैं और टेंस के जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है उसे कितने होते हैं, अरे सारे चीज, सारे मतलब सारे टेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, निगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच, विभिन्न तरह की चीज इसमें जो कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक। अब उसके बाद 11 नंबर में आता है आपको चेंजिंग इंटू निगेटिव, यानी किसी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, उसको निगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक, कोई सेंटेंस दिया उसको इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चेंजिंग इंटू इंट्रोगेटिव, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे।
थर्टीन नंबर आपका पॉइंट आता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद पढ़े क्या, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। जब टॉपिक आएगा तब उस डिटेल से बताया जाएगा इसमें, ठीक। उसके बाद देखिए अब आता है आपका 14 नंबर में इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, जरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, इन तीनों टॉपिक के बारे में भी हम कवर करेंगे, ठीक है ना। इन्फिनिटिव, जरंड और पार्टिसिपल के बारे में कवर करेंगे। 15वां पॉइंट आपका आता है यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक। और 16 नंबर आपका दिया हुआ पंचुएशन। पंचुएशन समझे क्या होता है, पंचुएशन करने का मतलब हो गया जो कोई भी जो हम लोग सब बोल रहे लिखते कोई भी चीज से, मान लीजिए चलिए यहाँ पर लिखिए अभी राम लिखे, अब उसके बाद हमको लिखना है श्याम लिखना है, ठीक है, श्याम लिख, श्याम लिख दिए। चलिए उसके बाद लिखते हम लोग राम, उसके बाद लिख देते हम लोग सोहन, क्या लिखते हैं सोहन। अब देखिए सोहन जो लिखे यहाँ पर ध्यान ध्यान दीजिएगा, तीनों एक साथ मिल गए, मिल गया। अब इसको जब अलग अलग करते हैं तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं कॉमा, क्या लगाते हैं कॉमा, और यहाँ पर लगाते हैं एंड, ठीक। यहाँ पर क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। यहाँ पर जो कॉमा लगा, ठीक है ना, तो कॉमा क्यों लगा, क्योंकि इसको अलग अलग किया, सेपरेट किया, अलग अलग किया, ठीक है। इसलिए हम पंक्चुएशन का यूज करते, बहुत सारा पंक्चुएशन होता है। जब इस चैप्टर पर आएंगे, इस टॉपिक पर आएंगे तो बताएंगे आपको पंक्चुएशन क्या होता है और कैलकुलेटर का यूज कहाँ पर करते हैं हम लोग, विभिन्न तरह की चीजों को हम यहाँ पर जानेंगे। अगला पॉइंट इसमें आपका आता है वॉइस। वॉइस किसे कहते हैं, ठीक है, वॉइस के कितने भेद होते हैं, उसके बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, विभिन्न तरह की चीजों को यहाँ पर देखेंगे, निगेटिव कैसे बनाएंगे, ड्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, देखेंगे। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर नरेशन, ठीक, नरेशन कवर कर लेंगे, नरेशन उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करते कवर करेंगे यहाँ पर, पूरा फुल्ली कवर करने वाले हैं। और जब समझिए ग्रामर के 18 पॉइंट होते हैं, कितने पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा, ग्रामर के 18 पॉइंट पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, एकदम पूरा बेसिक पढ़ाया जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है ना। ये वीडियो आपको जो क्लास जो भी मैं आपको बता रहे हैं अभी सिलेबस का बता रहे हैं, ग्रामर का ऐसे बताया गया आपको, ट्रांसलेशन का जस्ट वही बताएंगे, तो ये आपका वीडियो रेगुलर रहेगा, ठीक है ना। तो अभी अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को शेयर करें, उनसे भी कहिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्लास रेगुलर होने वाला है, ठीक है। जो लड़के भी 2021 में नाइन्थ क्लास में जो प्रवेश किए हैं उनके लिए है। चलिए अब समझिए ग्रामर के इतने टॉपिक्स होते हैं, समझते हैं ट्रांसलेशन में क्या क्या पढ़ना है। देखिए ट्रांसलेशन के अंतर्गत हम इन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। यूज ऑफ ए एंड द, ए का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे और द का प्रयोग कहाँ करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। जैसे हम मान लीजिए, चलिए छोड़िए बताएंगे जब क्लास स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे, ठीक। अब उसके बाद देखिए यूज ऑफ दिस डैट दिस दोज, दिस दोज यानी दिस डैट दिस दोज का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए कहाँ पर आपको लिख दे, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मान चलिए यहाँ पर लिखे ही इज अ बॉय, ठीक, यहाँ पर लिखे दैट इज अ बॉय लिखे ना। अब देखिए यहाँ पर जो ही लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है जी, ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ ही लिखा हुआ है, यहाँ पे डैट लिखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि ही के जगह डैट, डैट की जगह ही के जगह डैट आ जाता है, ठीक है। तो डैट का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, ही का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, विभिन्न तरह की चीजों के, विभिन्न तरह की चीजों के बारे में आप जानेंगे। चलिए उसके बाद आपको आता है, यहाँ आता है आपका इंट्रोडक्टरी ऑफ इट, इंट्रोडक्टरी ऑफ इट, इट का क्या परिचय है, इट के बारे में जानेंगे, इट का यूज कहाँ पर सेंटेंस में हम लोग करते हैं तो हमें समझे, उसके बाद जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हम लोग इंट्रोडक्टरी ऑफ देयर, देयर का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है यहाँ पर आपको टेंस, टेंस के बारे में जानेंगे, ट्रांसलेशन टेंस बनाने के लिए समझेंगे, कोई सेंटेंस दिया हुआ उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, ट्रांसलेट करेंगे उसको टेंस में, चीज़ जानेंगे यहाँ पे टेंस के बारे में पूरा, ग्रामर भी दिया हुआ ट्रांसलेशन में भी दिया हुआ, ठीक है ना। चलिए इससे आपका और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा। आपका था यूज ऑफ कैन मे शुड मस्ट आउट, यानी कि कैन मे शुड मस्ट आउट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे।
अब उसके बाद यह यूज ऑफ वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू बी, वर्ब टू बी का यूज कहाँ पर करते हैं, वर्ब टू हैव का यूज क्या आता है, कहाँ करते हैं, वर्ब टू हैव होता क्या है, वर्ब टू बी होता क्या है, विभिन्न तरह की चीज जितने भी दिया हुआ है यहाँ पर सारी चीज को क्या हर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका सिलेबस है हमारी क्लास का, ठीक है ना, सिलेबस आपको ध्यान में, सिलेबस को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है, कॉपी में इसको आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी में नोट करने के बाद क्या आपको ये ध्यान रहेगा वो क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, आपको टॉपिक बाय टॉपिक हर एक चीज़ को कवर कराया जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए जाकर, और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इससे आपको अपडेट मिलते रहेगी। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत।